स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के विभूति पार्ट 41 बुलू इमाम के बारे में, पद्मश्री बुलू इमाम। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको और बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए हैं। अंत तक बने रहिए और बुलू इमाम से रिलेटेड जितने भी चीजें आएंगे उसके भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अंत तक बने रहिए। बुलू इमाम देखिए ये जीवित है अभी, ठीक है। 1948 में जन्म हुआ है इसका, ये जन्म इम्पोर्टेंट नहीं है, मत याद रखिए। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसका कर्म क्षेत्र कहाँ हुआ है, हजारीबाग जिला, ठीक है, हजारीबाग, क्लियर। प्लस आपको ये याद रखना पड़ेगा ये किस चीज के लिए फेमस थे, ये देखिए तीन चीज, पर्यावरणविद थे, पर्यावरणविद, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट, प्लस राइटर भी थे, अभी इसके बुक भी देखेंगे, और डॉक्यूमेंट्री राइटर भी थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री लिखे थे, वही राइटर में ही आ जाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे टेलीफिल्म जो होते हैं ना, बहुत सारे बनाए थे। और ये फेमस किस लिए हुआ था, ट्राइबल आर्ट, झारखंड झारखंड ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, कल्चर, या कह सकते हैं ट्राइबल हेरिटेज, ट्राइबल हेरिटेज। इसके लिए बहुत बड़े बड़े प्राइज जीता इसने, बहुत बड़े बड़े काम किया। एक मैं एग्जांपल अभी देता हूं, जिसको कोहबर और सोहराय को जो जीआई टैग मिला है ना, जीआई टैग, इस टैग में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी आदमी का है तो इसका ही है। अभी मैं पढ़ते जाएंगे तो आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक है। तो पूछेगा बुलू इमाम किस क्षेत्र से रिलेटेड है, एक पर्यावरणविद, राइटर, ठीक है, और ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर या ट्राइबल हेरिटेज, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इनके जो दादाजी थे वो बहुत बड़े कांग्रेसी थे, आजकल वाला कांग्रेसी नहीं, आजकल वाला कांग्रेसी तो अलग चीज है, उस समय फ्रीडम फाइट्स के दौरान की कांग्रेसी, तो वो इस हसन इमाम, ठीक है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हसन इमाम कब थे, 1918 में के कांग्रेस अधिवेशन बॉम्बे में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था, और इसी के शासन काल में कांग्रेस दोबारा बटा, मतलब द्वितीय विभाजन हुआ, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कहां हुआ, बॉम्बे में हुआ, कब हुआ, 1918 में अध्यक्ष कौन था, हसन इमाम, ये याद हो गया। पहला विभाजन 1907 में हुआ था, जिसे सूरत फूट, कहां पे सूरत फूट, इसी को सूरत फूट कहते हैं, ठीक है, तो सूरत फिर, तो 1907 में हुआ था पहला विभाजन, प्रथम विभाजन, तो इस चक्कर में ये भी याद रख लीजिए। तो ये एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर के पोता था। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या देखिए इसके प्राइज, बहुत सारे प्राइज मिला इसे, बहुत सारे, तो हम वो सब सारे को पढ़ने जाएंगे तो पूरा एक घंटा का वीडियो बन जाएगा, इसीलिए जो जो इम्पोर्टेंट प्राइजेस हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज, पीस अवार्ड 2011 में मिला था, 211 का नॉमिनेशन हुआ था, 211 वाले में मिला था, लेकिन प्राइज तो एक साल बाद आदमी हाथ में लेता है ना, 212 में एक प्राइज लिया था, क्या, इंटर गांधी इंटरनेशनल, गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज, पीस अवार्ड, ठीक है, गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड कब, 2011 वाला, कहां, लंदन में, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइज है, नॉट इंडियन प्राइज, गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड, इंटरनेशनल प्राइज है, ठीक है। आगे हम लोग ऊपर पे विजय रत्न, ठीक है, दूसरा विजय रत्न, विजय रत्न प्राइज अवार्ड, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा अवार्ड था, विजय रत्न अवार्ड, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे दिया था, तमिलनाडु के जो गवर्नर थे उसके हाथ से इसे मिला था। किस लिए, सारे प्राइज ट्राइबल आर्ट्स के लिए, ट्राइबल, किस लिए, ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। बाद में इसका कर्म जब पढ़ेंगे तो अपने आप आपके मन में घुस जाएगा कि ट्राइबल आर्ट के लिए इसने क्या क्या किया था, ठीक है। उसके बाद विजय रत्न अवार्ड हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2002 में मिला, राष्ट्रीय गौरव
अवार्ड, ठीक है, अवार्ड किसने, इन्वायरमेंट प्रोडक्शन में, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट था ये, अवार्ड किसने मिला, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, इसने किताब लिखा था, इसमें उसमें बहुत सारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है उसके बहुत सारे तरीके बताए थे और खुद भी इन्वायरमेंट से जुड़े रहते थे हमेशा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से, ये याद रख लीजिए। राजकीय सांस्कृतिक सम्मान झारखंड का प्राइज है ये, ठीक है, राजकीय सांस्कृतिक सम्मान, सांस्कृतिक सम्मान, सांस्कृतिक सम्मान ये झारखंड के गवर्नर द्वारा दिया गया, ठीक है। उसके बाद रोटरी क्लब सिल्वर अवार्ड, रोटरी सिल्वर क्लब अवार्ड, क्लब अवार्ड याद रख लीजिए। उसका दूरदर्शन गोल्डन जुबली अवार्ड, अब भाई इसने दूरदर्शन इसको क्यों देगा भाई, दूरदर्शन इसलिए देगा, मैंने बोला ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री बनाया था, शॉर्ट फिल्म टेलीफिल्म, तो उसमें बहुत सारे हिट हुए थे इसके, उसमें दूरदर्शन गोल्डन जुबली अवार्ड इसको मिला है। और सबसे बड़ा चीज जो इसको मिला है दैट इज पद्मश्री, ठीक है, 2019 में पिछले साल ही इसे पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। पूछेगा पद्मश्री किस क्षेत्र में मिला है, यहां पे ये सब चीज काट दीजिएगा, ठीक है, समाज सेवा के क्षेत्र में इसे मिला है, समाज सेवा, क्योंकि आप पद्मश्री का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है ना, वो ट्राइबल आर्ट्स में नहीं पद्मश्री दे सकते, ऐसा कुछ होगा शायद, इसीलिए समाज सेवा के नाम से इसे दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बोलते हैं इंटाच, ठीक है, इंटाच का ये कॉन्वेनर था हजारीबाग रीजन का, हजारीबाग घर है इंटाच, INTACH, ठीक है, ये इंटाच एक नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये ट्राइबल आर्ट्स TA है ना, ट्राइबल आर्ट्स, पूरे इंडिया के ट्राइबल आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, उसको उस आर्ट को संरक्षण देने के लिए इंडिया लेवल में सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन NGO है वो इंटाक है। इंटाक का फुल फॉर्म हो गया इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, तो ये इंटाच का ये हजारीबाग में कौन बना था, संयोजक था कहा हजारीबाग में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटाच अब नाम सुने या हो या नहीं हो, ये बहुत बड़ी NGO है, ये ट्राइबल आर्ट्स के क्षेत्र फील्ड में इसका बहुत सारा योगदान है, इसे बहुत बड़े बड़े प्राइज मिल चुके हैं इस संस्थान को। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या अबकारी के बारे में पढ़ते हैं भाई, इतना बड़ा पुरस्कार पद्मश्री ऐसे ही थोड़े ना फोकट में किसी को दे देगा, और तो उसके लिए इतने बड़े बड़े पुरस्कार ऐसे ही कोई दे देगा, इसके पीछे क्या क्या कागज कितने चीज था वो चीज आप देखिएगा। पहला, ठीक है, देखिए इसको मैं सुने होंगे, इसको हजारीबाग में गुफा चित्र मिला है, इसको गुफा चित्र के लिए झारखंड बहुत फेमस है, ये गुफा चित्र वहां पे मिला है, भूल भुलैया का चित्र है, रॉकेट है, अंतरिक्ष यान है, ये सब चीज पढ़े होंगे ना, तो इसका गुफा चित्र की खोज किसने किया भाई, ठीक है, 1991 में इसी ने किया है, ठीक है, बुलू इमाम ने वो इसको गुफा चित्र का खोज किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले इसको गुफा चित्र कहाँ है, हजारीबाग में है, कहाँ इसको में है, और कहाँ एक पत्थर, इसको में जो गुफा के भीतर एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर के बहुत सारे चित्र है वहां, उसमें अंतरिक्ष यान का चित्र बनाया हुआ है, आप भी बनाते होंगे चित्र पत्थर के ऊपर, कैसे बड़ा सा पत्थर लेके छोटा सा पत्थर लिख के ऐसे 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 नहीं खींचते, या किसी का नाम लिख देते हैं, उसी तरह आदिम जमाने में किसी ने लिखा होगा, उसका खोज किया और उसने प्रूव करके बताया कि नहीं ये आदिम जमाने में लिखा गया है, ठीक है, और उस आर्ट का जो आर्ट का उसने कोहबर से और सोहराय से उसको कनेक्ट करके दिखाया, इसका भी प्रूफ दिखाया कि कोहबर आर्ट का ही
कोवर आर्ट से ही बना है, उसको भी इसने प्रूव करके दिखाया, इसलिए इतना महान हुआ है। तो 1991 इसमें गुफा चित्र इसको का खोजा इसने। उसके बाद 1993 में क्या करता है, ये एक आदमी को सफलता मिल जाता है और खुजली पड़ जाती है। 1993 ईस्वी में देखिये उत्तरी कर्णपुरा में, उत्तरी कर्णपुरा के कोयला, कर्णपुरा कोयला खदान है, कर्णपुरा के कोयला खदानों में कहते ना 12 से ज्यादा दर्जनों सेल चित्र, मतलब रॉक आर्ट सेल चित्र की खोज की और बताया कि ये आदिम जमाने में बना है। और आदिम जमाने में ही नहीं बना है, ये कोबर ये और सोहराई का ही एक प्रतिबिंब है। तो सेल चित्र मतलब रॉक आर्ट, पत्थर चित्र है, रॉक आर्ट। तो ये याद रख लीजिए 1993 में उत्तरी कर्णपुरा में बहुत सारे दर्जन से ज्यादा, और इसको ठीक है, ये क्वेश्चन तो बार 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 लड़ता ही रहेगा। ठीक है, नॉर्थ कर्णपुरा में ये किया है। अब देखिए 1993 में है और 1995 में क्या इसने एक थ्योरी देता है अपने किताब के थ्रू, राइटर भी है ठीक, किताब के थ्रू, अभी किताब का नाम भी बताऊंगा ठीक है, अपने बहुत सारे किताब लिखते हैं उसके थ्रू ये करता है कि भाई ये गुफा चित्र, ये गुफा चित्र, ये कोहबर और सोहराई का ही, सोहराई कला से ही बना है ये चित्र ठीक। 1995 में ये करता है और लोगों को ये प्रमाणित करके दिखाता है, ये जहां पे मतलब अब मेरे पास थोड़ा ना प्रमाण देने आएगा, जहां पे देना रहेगा वहां पे ठीक है। तो ये 1997 में, 93 में, 1995 में इसने क्या किया, कोहबर और सोहराई आर्ट्स को उस गुफा चित्रों से बोला कि कनेक्टेड है, एक ही है, उसी गुफा चित्र से ये सब बना हुआ है। अब देखिए इसने क्या किया, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1995 में हजारीबाग में एनजीओ गठन करता है ठीक है, नाम भी सुने होंगे, ये क्वेश्चन बार बार आता है ठीक है, आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी ठीक है, संस्कृति म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। 1995 में इसमें क्या करता है, संस्कृति म्यूजियम, म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी ठीक है, आर्ट गैलरी इंग्लिश में लिख लीजिए, संस्कृति म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, किसी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि संस्कृति म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी है कहाँ, हजारीबाग में बनाया किसने, बुलू ईमान ने बनाया कब, 1995 में ठीक है। और इसने एक चीज वहां पे बनाया है ठीक है, हजारीबाग में ही, दैट इज फॉर वो 1993 में बनाया, दैट इज कॉल्ड ट्वेस ठीक है, ट्वेस वेरी इंपॉर्टेंट, और यही ट्वेस का योगदान है सोहराई और कोबर को इंटरनेशनल पहचान देने की, प्लस जीआई टैग लेने की ठीक है। ट्वेस, तो ट्वेस का फुल फॉर्म है ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव, ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस देखिए ये नाम क्यों भाई, ये कोहबर और सोहरा पुरुष थोड़े ना जाके करता है, उसके लिए महिला ही करता है, महिला आर्ट है, इसीलिए ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव ट्वेस बनाया। और इसके माध्यम से इसने दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में जहां जहां गैलरी है, म्यूजियम है, वहां पे सोहराय और कोहबर को जाके रखा, तब लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ कि नहीं, सोहबर और कोहराय आर्ट बोल के भी कुछ अद्भुत कला है। जब उसको पसंद आया भाई ये आर्ट कहाँ का है, ऑटोमेटिकली लोग क्या पूछेगा, बताएगा कि भाई झारखंड का है, तो गया झारखंड के नाम में, फिर लोग पूछेगा कोहबर आर्ट, सोहराय आर्ट, तो वो सब बिकने लगे मार्गी में। सबसे पहले बुलू ईमान ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में, ये भी वो पहला कहां पे इसने ये किया था, सिडनी शहर में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी गैलरी में ठीक है, सिडनी के गैलरी, आर्ट गैलरी में। उसके बाद कनाडा, रशिया, सारे यूरोपियन देशों में इसका प्रदर्शनी हुई। उसके बाद इंडिया के बार बार हर एक शहरों में जाने लगा, हर एक शहरों में जाने लगा, जहां जहां आर्ट का प्रदर्शन होता है वहां वहां ये भेजता था ट्वेस के माध्यम से ठीक है।
तो इसी ये सिलसिले से पूरा इंडिया जाना। अदरवाइज हम ऐसे भी बहुत आदमी है जिसके घर के बगल में ही ये सब कोहबर, मेरे ही घर में एक कोहबर बचपन से मैं देखता आया कि कोहबर हो रहा है, सोहराई हो रहा है, सब मेरे ही घर में सब होता था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाता था ये जो आर्ट मेरे घर में हो रहा है वो कोहबर है या सोहराई है। तो ये सब चीजों को, जो चीज बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी बताना पड़ता है लोगों की, भाई ये है। तो ये बुल्लू साहब ने यही काम किया, दुनिया को बताया कि भाई कोहबर और सोहराई बोल के भी कोई आर्ट है। और वहां तो फिर मुझे भी बताया यही लोगों ने कि तुम्हारे घर में जो होता है वो कोहबर है और सोहराई है। ठीक है, इतना इसका इम्पोर्टेंट बनता है, आगे और भी इम्पोर्टेंट आएगा। बुल्लू साहब को लेके ये वही बता, इसके थ्रू जो प्रेस के थ्रू ही दुनिया में प्रदर्शनी लगाने लगा है, एग्जीबिशन लगाने लगा और इसको विश्व पहचान दिलाया बुल्लू साहब ने। अब देखिए बुल्लू साहब राइटर भी, मैंने बता दिया था कि भाई राइटर है, तो इसके कुछ रखे या ना रखे दो किताब का नाम जरूर रखे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और तुरंत याद हो जाएगा। इसका किताब का नाम क्या है? ब्राइडल कैप, ब्राइडल कैप। तो ब्राइडल कैप या तो आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा कोरिलेट करके देखिए। ब्राइडल कैप मतलब क्या हो? कैप मतलब को मतलब गुफा, कैप मतलब गुफा, को मतलब भी गुफा, ब्राइडल मतलब दूल्हा, दूल्हा मतलब एक बार, तो कोहबर। तो ये कोहबर को ही इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा अंग्रेज टाइप का था बुल्लू इमाम, जो था अंग्रेज टाइप का, इंग्लिश ज्यादा इसका ये करता था सारे चीज, जो जितने भी सिनेमा बनाए सब इंग्लिश में बनाए, डॉक्यूमेंट्री जितने बनाए सब, जितना कुछ लिखा सब इंग्लिश में ही लिखा। तो ब्राइडल कैप एक बुक, दूसरा बुक का ना एंटीक्वेरियन रिमेंस ऑफ झारखंड, एंटीक्वेरियन रिमेंस रिमेंस ऑफ झारखंड। तो ये इतना बड़ा नाम दे के मत डर रही है, समझ जाइए फट से हो जाएगा। एंटिक दारू भी है, एंटिक तो एंटिक का मतलब होता है एंटिक दारू, नहीं पी है तो बाद में कभी पी लीजिएगा। एंटिक जो दारू होता है उसका मतलब, ये एंटिक वर्ड का मतलब पुराना, तो एंटीक्वेरियन मतलब हो गया पुरातन, पुरातन। रिमेंस मतलब क्या होता है? बचा कुछ अवशेष, ठीक, अवशेष, पुरातन अवशेष झारखंड का, यही इसका मीनिंग होता है झारखंड का। तो पुरातन अवशेष इस कहां से क्या था? वही इसको वाला कर्णपुरा वाला, उसी को मैं बोला था ना किताब के थ्रू फैलाया था, तो इसी किताब के थ्रू को फैलाया था, ठीक है। आगे देख, बहुत सारे मोनोग्राफ्स लिखे थे, मोनोग्राफ ऑफ संथाल, मोनोग्राफ ऑफ बिरहोर, ये सब मत आएगा नहीं, इसलिए किताब तो बहुत सारा लिखा था, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। मोनोग्राफ ऑफ संथाल और मोनोग्राफ ऑफ बिरहोर अगर आप याद रख सकते हो तो कर। मोनोग्राफ मतलब कुछ नहीं होता, कथा। मोनोग्राफ ऑफ संथाल और ऑफ बिरहोर, ये मोनोग्राफ कुछ नहीं, मोनो मतलब एक होता है, ग्राफ मतलब एक पे कॉन्सेंट्रेट करना, मतलब एकांकी, एकांकी जिसे कह सकते हो, मतलब एक ही सब्जेक्ट पे जो चीजें होगी वही, मतलब ये मोनोग्राफ में संथाल के ऊपर ही जो जो टीका टिप्पणी किया है, विरोध के ऊपर जो टीका टिप्पणी किया है वही सब, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों बुक तो भूलिए ही मत, ब्राइडल कैप्स और एंटीक्वेरियन रिमेंट्स ऑफ झारखंड। इसको कोहबर को और सोहराय को इतनी प्रसिद्धि दिलाने के पीछे इस किताब का हाथ है, और इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और कोहबर, कोहबर देखे नाम से ही पता चल जा रहा, ब्राइडल कैप नाम दे देगा ब्राइडल तो चक्कर ना खा जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। फिल्म से भी इसने बहुत बनाया था, ये जी टीवी है ना, जी टीवी में इसके प्रोग्राम से भी आते थे बहुत सारे। मैं जब छोटा था, मैं उतना छोटा भी नहीं था, तब हमेशा बुल्लू इमाम, बुल्लू इमाम करके लिखा हुआ आता था, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते थे। जिस तरह मेरे घर में कोहबर होता था मैं खुद ही नहीं समझ पाता था। तो अब वो मुझे याद आ रहा है कि बुल्लू इमाम बड़ा लेटर में लिखा हुआ आता था, ठीक है। दो क्या है इसका, देखिए, वन अर्न एलिफेंट फ्रॉम हजारीबाग, ठीक, वन ईयर्ड एलिफेंट
फ्रॉम हजारीबाग, फ्रॉम हजारीबाग आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं, इसी में बता देता हूँ ये सब पूछेगा नहीं। जो टेलीफिल्म बनाए तो एक हाथी, एक कान वाला हाथी हजारीबाग से, पता नहीं था गया इसी लिख दिया या शीर्षक को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए लिखते होंगे सब लोग। ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट, ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट, ठीक है। तो वही है ट्रैक्ट, TWAC था ना, TWA, कोऑपरेटिव नहीं लिखा, कोऑपरेटिव लिख देता था ट्वेस्ट हो जाता, तो याद रखना कोई बड़ी चीज नहीं है। एक हाथी अब एक कुत्ता मिल जाएगा, ठीक है। सर्च फॉर द फर्स्ट डॉग, सर्च फॉर द फर्स्ट डॉग, ठीक है। पहला कुत्ते की तलाशी, द एक और कुछ था मैं भूल रहा हूं, द सोहराई आर्ट ऑफ हजारीबाग, द सोहराई आर्ट ऑफ हजारीबाग, ये सब सब विदेशों में रिलीज हुआ, ठीक है, सब विदेशों में लिखा। लेकिन ये दोनों को मैंने देखा है GTV के, GTV में ये सब आता था, नीचे बुलू इमाम करके आता था, ठीक है। तो इतना चीज याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भूलो या ना भूलो, कुछ क्वेश्चन में बता देता हूँ, कभी भूलना मत। इसको का खोज जिसने किया, इसको शैलचित्र का, कर्णपुरा शैलचित्र का इसने किया, कब किया ये भी इंपॉर्टेंट है। कोबर आर्ट, इसके दो बुक है, एंटीक्वेरियन रिमेंस ऑफ झारखंड और ट्राइबल आर्ट्स ब्राइडल कैम्प, ये दोनों किताब, ठीक है। और जो आर्ट गैलरी बनाया है, संस्कृति आर्ट गैलरी हजारीबाग में, ट्वेस, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं फालतू चीजें बताता ही नहीं हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वही बताता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।